इतना बड़ा अपराध किया उसने, इस करे को हथकड़ी के रूप में उसने प्रयोग किया है। ये छोटा अपराध नहीं है सर, और ये उसकी पहली गलती नहीं है। एक बुजुर्ग की दाढ़ी को हाथ डालना, वो आज यहाँ बैठा हुआ है। देखिए सर, हमारा इतिहास है सुखपाल का। मैं आपको बता दूं, मैं इस डिग्री कॉलेज में यूनियन में रहा हूँ, और हमने पुलिस वाले ऐसे ऐसे भगाए हैं, क्योंकि हम एक एक यूनियन से जुड़े हुए थे। जो गलती करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸੀਓ ਸਰ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਮ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੁਦਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਐਸ ਪੀ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ? ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। हमने कह रहा जांच के बाद, हमें मालूम है सस्पेंशन जांच के बाद होता है, बिना जांच का हाईकोर्ट चला जाएगा, लेकिन उसके बाद तो कम से कम जो चीजें हैं वो तो आपके कम से कम ये आपको हो गए। हाँ, हम आपके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अरे जांच का अधिकारी इसके एक सर हम और बात करना चाहते हैं। आपने कह दिया क्या ये जो आधार है ये सस्पेंशन के काबिल है या नहीं है? हम ये पूछना चाहते हैं आपसे, ये जो आधार है ये सस्पेंशन के काबिल है या नहीं? मैं एक ये जो वीडियो है ये सस्पेंशन के काबिल है या नहीं? किसी की दाढ़ी को हाथ डाल करके नोचना ये सस्पेंशन के काबिल है या नहीं? ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਾਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ। फिर मैं जाकर उनके वीडियो बनाया, मैंने कहा सर हाथ छोड़िए, क्यों मारने के रिवाल पकड़ के? तो उन्होंने कहा आप हटिए यहाँ से, आप तो बोल ही नहीं रहा था, तू तरक तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? मैंने कहा सर मार क्यों रहे हो, जो आपको है चेकिंग करना कर लीजिए। छोड़ दिया वो तो अच्छा हुआ है, क्यों लड़के का पीछे बैठा हुआ था दीवार में सर नहीं लगा, मोटरसाइकिल गिर गया। मैं एक घंटे से मौजूद था, मेरे भी मोटरसाइकिल पकड़ के उन्होंने सीज कर दिया, मेरे पास पूरा पेपर होने के बावजूद भी। आप बताइए कि दो लड़की हमारी आई थी छोटी छोटी दवाई लेने, इनके घर से कहा जा रहा है कि ट्रिपल सवारी था। ट्रिपल सवारी नहीं था, मैंने वीडियो बनाया, मैंने कहा सर बताइए तीन लोगों का था, दो लड़के हैं, उसी समय मैं वहीं खड़ा था, पुलिस वालों को भी बोला, मैंने कहा दो लड़के हैं और चार कांस्टेबल हैं उनके साथ, चार कांस्टेबल भी इससे पूछा जाए कि तीन सवारी था या दो सवारी थे। लगभग 20 मिनट तक सिख लड़का जो था उनको पकड़े रहे, बाजू पकड़ के मरोड़ते रहे, कालर पकड़ के उसको गुस्सा मारते रहे। ये 7:37 का घटना है जी। हाँ नहीं, मैं वहीं खड़ा था, मेरे बाइक को सीज कर दिए थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता रहा, नहीं माने, पेपर दिखाते रहे, पेपर नहीं देखा। वहाँ पे शाम से चेकिंग था जी, 7 बजे से 6:30 बजे से। तो
ठीक है धन्यवाद इस वक्त तुसी सिद्धियां तस्वीरां देख रहे हो रुद्रपुर ते गल्ला मंडी तों जो कि सिख समाज दे विच रोश प्रदर्शन है जी मीडिया वाले नूं दित्ती आ कि मरा जा